सत श्री अकाल जी, मेरा नाम प्रभु सिंह है ते मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस विच अहीं वख-वख सब्जेक्टां नूं बहुत ही सिंपल भाषा विच करन दी कोशिश करांगे। माय नेम इज प्रभु सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम खालसा कॉलेज अमृतसर। हाँ जी, मैं एक सब तो पहला मैं फिजिक्स का प्लस टू क्लास का फस्ट टॉपिक शुरू करूँगा। तो फस्ट टॉपिक शुरू करने से पहला ये फस्ट यूनिट का नाम की है वह सू पता होना चाहिए। साडा प्लस टू क्लास का फस्ट यूनिट है इलैक्ट्रोस्टैट। हूँ सू पता नहीं इलैक्ट्रोस्टैट का मतलब की होंगे, इलैक्ट्रोस्टैट की होंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सिस पोटेंशियल फील्ड अराइजिंग फ्रॉम द चार्जिस एट रेस्ट। इलैक्ट्रोस्टैट की होंगे? एक कोई भी चार्ज पिया अभी देखना कि वह चार्ज दूजे चार्ज से किन्नी फोर्स लगा रहा, किन्नी फील्ड लगा रहा, तो की वह पोटेंशियल है। सब तो पहले सू करने सब तो पहले पता होना चाहिए कि चार्जस होंगे की है। इलैक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलैक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। हूँ देखो अभी पंजाबी में समझने की कोशिश करते हैं। सू पता वा कोई भी मैटर है वह मैटर किस तरह बनया होंगे? एटम का। एटम किसने बने होंगे? अगे इलैक्ट्रॉन के प्रोटोन के। एटम के सेंटर की होंगे? न्यूट्रॉन के प्रोटोन होंगे। हूँ इलैक्ट्रिक चार्ज की होंगे? इलैक्ट्रिक चार्ज की होंगे कि दोनों चार्ज विचकार की फोर्स कि फोर्स लग रही है। हम सू पता जो कोई दोनों सेम चार्ज पे है जिम्मे कोई दो एक प्रोटोन है दूजा प्रोटोन है वह कि फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। हूँ जिमें दो जी कायन की देख ली है एक इलैक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है उन्होंने दो विचकार फोर्स होंगी अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स अभी इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं क्योंकि बच्चे की करते हैं अक्सर ही भूल जाते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कि लगती है तो रिपल्सिव कि लगती है। हूँ देखो जिम्मे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में लैके लिए एज अ बॉय, नैगेटिव चार्ज लै रही है एज अ गर्ल। सू पता वा दो सेम चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो दो सेम चार्ज हो आपस की करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जिमें एक कुड़ी तो एक मुंडा वो की करता आपस में अट्रैक्ट ही करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा मैं तुम्हें समझ लो। हूँ देखो मेन की इलैक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जी की दसती है कि उन्होंने फोर्स लग रही है। जे दोनों मैटर सेम काइंड दे होणगे जे मान लो एक ही प्रोटोन है दूजा प्रोटोन है सो इन्हें होगी रिपल्सिव फोर्स। जे मान लो एक इलैक्ट्रॉन है दूजा इलैक्ट्रॉन है उन्होंने विचकार ही फोर्स निकली होगी रिपल्सिव फोर्स। पर जो दो ओपोजिट काइंड दे आ जाएंगे इलैक्ट्रॉन प्रोटोन प्रोटोन इलैक्ट्रॉन हमेशा की होगी इलैक्ट्रिक फोर्स इलैक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स सॉरी। हूँ देखो इलैक्ट्रिक चार्ज दो किस्म होती है, कोई पॉजिटिव एक नैगेटिव। हम सू पता नहीं पॉजिटिव चार्ज कदों आ जाता किसी बॉडी में, नैगेटिव चार्ज कदों आ जाता किसी बॉडी में। देखो एक चीज़ नोट कर लो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उस बॉडी में होता जी बॉडी की करती है अपने इलैक्ट्रॉन लूज कर देती है। जी लूज कर देती है उन्हें उत्ते आ जाता पॉजिटिव चार्ज। जी बॉडी से जी बॉडी ने एक्सैप्ट करना इलैक्ट्रॉन लै रहे हैं उत्ते कि आएगा नैगेटिव चार्ज। हम दो बॉडियां आपस कॉन्टैक्ट में आई हैं नो डाउट की करनियाँ बॉडियां एक दूजे को इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया। जो मान लो कोई दो कपड़े लै लिया है उन्हें फ्रिक्शन करिए बिच दो चीज़ें फ्रिक्शन करिए दो ऑब्जेक्ट लै लिए डिफरेंट काइंड के। हम जी बॉडी ने अपने इलैक्ट्रॉन डोनेट करते दे दिते वो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जी बॉडी ने कोई इलैक्ट्रॉन्स ले आया नैगेटिव चार्ज। जिमें मान लो एक देशी भाषा में समझ सकते हैं जिम्मे मान लो साढ़े घर कोई आ जाता कोई बंदा आ जाता मंगता आ जाता अं की करते हैं उन्हें कोई चीज़ दे दी है देने कोई चीज़ बार कोई बंदा हूँ ये होंगे साढ़े पॉजिटिविटी आ जाती है। सो डोनेशन मतलब होंगे पॉजिटिविटी, जो कोई भी बंदा कोई चीज़ किसी को दे रहा वो पॉजिटिव तो कोई भी बंदा कोई चीज़ लै रहा है वो नैगेटिव आ जाता। सो अपने चार्ज होंगे दो किस्म के एक पॉजिटिव एक नैगेटिव। जिमें कि असं इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किया शुरू इलैक्ट्रोस्टैटिक ही होंगे ये पहले तो फिर तो करते हैं। इलैक्ट्रोस्टैटिक होंगे इलैक्ट्रोस्टैटिक कोई भी चार्ज अपना रेस्ट से पाया वा वो देखना कि वह चार्ज दूजे चार्ज उत्ते कितनी फोर्स लगा रहा कितनी फील्ड लगा रहा तो कितना पोटेंशियल लगा रहा। फोर्स फील्ड पोटेंशियल सानू हौली हौली पता लगेगा की होंगे। तो सब तो पहले सानू पता होना चाहिए इलैक्ट्रिक चार्ज की होंगे। मैं दस्या इलैक्ट्रिक चार्ज की होंगे प्रॉपर्टी होंगी है किसी भी मैटर की जी की दसती है कि उन्होंने फोर्स एक्ट कर रही है। जिमें दो सेम चार्ज होने उन्होंने हमेशा कि फोर्स होगी रिपल्सिव फोर्स, पर जो दो ऑपोजिट चार्ज आ गया उन्होंने फोर्स होगी अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ जी हूँ असं कर लगे हाँ प्रॉपर्टीज की होंगे वा इलैक्ट्रिक चार्ज दी प्रॉपर्टीज होंगे। देखो
पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अपने को सरफेस है गया उसके तीन चार्ज पे है Q1 Q2 तो Q3। एडिटिव का की मतलब होता है कि असि उन्हें तीनों चार्ज अगे कर सकते प्लस कर सकते हैं, अभी टोटल लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब पूरी सरफेस तीन चार्ज होगा तीन चार्जों को प्लस करके, इन कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो दूसरी प्रॉपर्टी कि होगी देखो तुम दस लाइक चार्ज रिपेल एंड ओपन चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज जिम्मे दो सेम चार्ज पे है प्लस क्यू प्लस क्यू, हमेशा जो करेंगे हमेशा रिपेल ही करेंगे, मतलब माइनस क्यू हो माइनस क्यू हो रिपेल करेंगे। जिम्मे मान के एक चार्ज पे प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ओपीड चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जिम्मे तुम एक कुड़ी के मुंडे की एग्जाम्पल दी है वो होंगे ओपीड होंगे तो हमेशा ही करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। हम देखो तीजी प्रॉपर्टी हैगी चार्ज की होंगे चार्ज इज कंजरवेटिव, यह मतलब क्या होंगे जिम्मे ही पढ़िया वा कि फोर्स एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली जो चार्ज हों ना ही क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता, चार्ज की कर सकता एक बॉडी तो दूसरी बॉडी ट्रांसफर कर सकता, एक भी बना नहीं सकते एक ही ट्रांसफर ही हो सकता है। सो यह प्रॉपर्टी कहते हैं कंजरवेटिव इन नेचर। तो धन्यवाद, ये मैं यूट्यूब चैनल नवा बनाया है, तो मैं तुम्हें बेनती करना कि इन बात तो बात शेयर करो, तो असं इस तरह ही अपने चैनल के वक्रे वक्रे सब्जेक्ट दियाँ वक् वक् वीडियो पाते रहेंगे। आप जी का बहुत ही धन्यवाद, ये चैनल अपने दोस्तों में बात तो बात शेयर करो तो इनू सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल जी।